Bismillahirrahmanirrahim. I am just starting now the introduction to the carbohydrates, and then the further on my lectures on the carbohydrate metabolism, glycolysis, TCA cycle, glycogenesis, gluconeogenesis, glycogenolysis, and the hexose monophosphate pathway, and the metabolism of the fructose, mannose, galactose, and the sorbitol in the diabetic people's complications by the sorbitol when the glucose level is high. So this is the very first lecture of the introduction to the carbohydrates. I am just starting for the students who are not taking the lectures of the Dr. Naeem in the biochemistry. So and as well as for the students who are taking the lecture, basically this is the revision. I just float through the concept and you read it through the book. The main book is Lippincott for the carbohydrate metabolism, and for the digestion of the GIT chapter, digestion and absorption of the carbohydrates, for the Mushtaq, and some diagrams from the Harper if you are interested. So these two books are primarily necessary for the for the biochemistry basically. So let us begin. Introduction to the carbohydrates. Carbohydrates jo hum diet ke andar lete hain, just starting in a very easy way and the convenient language for your better understanding. Introduction to the carbohydrates. अब carbohydrates जो हम diet में लेते हैं, हम जितने भी diet खाते हैं तो उसके अंदर से जो major हमारा fuel होता है वो हमारे पास carbohydrates ही होते हैं, क्योंकि हम carbohydrates से ज़्यादा energy ले रहे होते हैं. एज प्रोटीन्स का कंटेंट और फैट्स का कंटेंट लो होता है, पर हमारी डाइट के अंदर जो भी हम खाते हैं रूटीन डेली लाइफ के अंदर, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है. अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं. बिफोर समराइज हम कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की तीन कैटेगरीज हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड द पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हैं. और जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनके अंदर हमारे पास मेजोरिटी जो हैं वो डाइसैकेराइड्स की हैं. तो डाइसैकेराइड के अंदर तीन हैं हमारे पास, सुक्रोज, माल्टोज एंड द लैक्टोज. माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के कम्बिनेशन से बना है. जो सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन से बना है, वाइल द लैक्टोज जो है हमारे पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के कम्बिनेशन से बना है. जो माल्टोज में है उसमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है, जो सुक्रोज है उसके अंदर बीटा 1,2 लिंकेज है, और जो हमारे पास लैक्टोज है उसके अंदर बीटा 1,4 लिंकेज है. अब हम बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स की. पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हमारे पास स्टार्च है. स्टार्च हमारे पास मोस्ट अबंडेंट जो हम डाइट में लेते हैं वो स्टार्च लेते हैं. फिर ग्लाइकोजन है एंड सेलुलोज है. स्टार्च के अंदर हमारे पास फिर दो फर्दर कैटेगराइज आ जाती हैं, माइलोज एंड द अमाइलोपेक्टिन. वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, जस्ट आई रिवाइज फॉर द कंसेप्ट जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट इंजाइम्स है वो हमारे पास जब स्टार्च पैक्ट करेंगे तो पहले पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी कैटेगरी है स्टार्च, उसके ऊपर वो इंजाइम एक्ट करते हैं. अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. अब जब हम डाइट लेते हैं तो सीधा तो नहीं ना स्टमक के अंदर हम डाइट ले जाते, पहले वो माउथ में आती है. तो माउथ से हमारे पास क्या रिलीज होता है, सलाइवा. अब सलाइवा के अंदर ये एक इंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और पटाइलिन भी इसे कहते हैं. ये 20-40% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. अब स्पेसिफिक हमने करना है कि ये कौन से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है. ये ब्रेक करता है हमारे पास स्टार्च को. स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है, माल्टो ट्राइज के अंदर चेंज कर देता है, या हमारे पास 3-9 ग्लूकोज पॉलीमर्स में चेंज कर देता है. ये कंप्लीट ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कर देगा स्टार्च को, या ये क्या करेगा हमारे पास, ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेज ब्रेक करता है. ऑलवेज रिमेंबर, ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेज ब्रेक करता है और चेंज कर देता है स्टार्च को हमारे पास. या तो कंप्लीट हम ज़्यादा तेज चुबाते रहेंगे खाना तो वो या तो हमारे पास माल्टोज में चेंज हो जाएगा, या थोड़ी देर के लिए भी अगर हम करें तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन भी करें तो माल्टोज, माल्टो ट्राइज और 3-9 ग्लूकोज पॉलीमर्स के अंदर चेंज कर देते हैं. और फिर जब हमारे पास स्टमक से वो माउथ से ओरल कैविटी से हमारे पास जो फूड हमने इंटेक किया होता है वो फिर एसोफेगस में, एसोफेगस स्टमक के अंदर एज सच गैस्ट्रिक जूस के अंदर कोई इंजाइम नहीं होता कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के अंदर. इसी डायडोलिसिस थोड़ी हो जाए वो लैदा बात है, लेकिन जैसे ही हमारे पास वो एंटर करता है डिजिनम के अंदर, तो डिजिनम के अंदर सेकेंड पार्ट ऑफ द डिजिनम के अंदर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है. वो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन हमारे पास लेके आ रही होती है. उस पेनक्रियाटिक सिक्रीशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज.
अब पैनक्रियाटिक हम सलाइवरी एमाइलेज की एक बात हम मिस कर गए कि सलाइवरी एमाइलेज की जो सलाइवा की पीएच होती है 6.4 to 6.9 होती है, तो राउंड अबाउट 6.5 to 7 हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज की ऑप्टिमम पीएच होती है। लेकिन जैसे ये स्टमक में आता है, स्टमक की पीएच हमें पता है एसिडिक है, तो थोड़ी देर जैसे ही मेरे पास स्टमक के अंदर आता है तो इसका फंक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिमम पीएच उसकी स्टेबल नहीं होती, उसको रिक्वायर्ड होती है 6.5 to 7 राउंड अबाउट, तो वो उसको वो मिलती नहीं है एसिडिक पीएच की वजह से एंजाइम्स डीनेचर हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। फिर वो आ जाता है हमारे पास डिजिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब हमारे पास पैनक्रियाटिक अमाइलेज आ जाता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी स्टार्च के ऊपर रिएक्ट करेगा और वो उसको α14 और α16 के ऊपर लिंकेजेस के ऊपर दोनों पे एक्ट करेगा और उसको चेंज कर देगा माल्टोज के अंदर। अब ये तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड था स्टार्च, हमने अभी तक जिक्र किया है कि ये स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है और इसकी ब्रेकडाउन इस तरीके होगी। और एज सच कोई एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में और सलाइवरी सिक्रीशंस के अंदर नहीं होता, और जो बिलरी सिक्रीशंस होती हैं वो प्राइमरीली फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स के लिए होती हैं, तो वो फैट की डाइजेशन के लिए होते हैं। जो हमारे पास ये दो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं। फिर जैसे ही जो इंटेस्टाइनल विलाई हैं, इंटेस्टाइनल विलाई के ऊपर जो हमारे पास सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, अब एक तो विलाई हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन की एलिवेशन है, अब विलाई के ऊपर ही हमारे पास जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स उन्हीं के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एलिवेशन होकर हमारे पास माइक्रोविलाई बन जाते हैं। अब माइक्रोविलाई जो है वो इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। अब इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर का जहाँ पे भी जिक्र आएगा तो ये आपने बेसिक जनरल हिस्टोलॉजी आपने याद रखनी है। तो माइक्रोविलाई के ऊपर इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर के ऊपर इंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास स्पेसिफिकली उनकी कैटेगरी है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं उनको स्पेसिफिकली कैटेगरी है हमारे पास डाइसेक्राइडेजीज। डाइसेक्राइडेजीज के अंदर हमारे पास माल्टेज आ जाता है, सुक्रेज आ जाता है, लैक्टेज आ जाता है, अल्फा डेक्सिनेज एंड आइसोमाल्टेज। अब ये नाम इनका काफ़ी है कि माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, माल्टोज को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। सुक्रेज किसके ऊपर एक्ट करेगा, सुक्रोज के ऊपर, सुक्रोज को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर। लैक्टेज किसके ऊपर एक्ट करेगा, लैक्टोज के ऊपर, और चैन क्या इसको ब्रेक डाउन करेगा हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर। अल्फा डेक्सिनेज हमने जो शुरू में बात करी थी 3 to 9 ग्लूकोज पॉलीमर्स जो हैं उनको प्रोडक्ट करेगा और हमारे पास ग्लूकोज पॉलीमर्स हमारे पास दे देगा और यहाँ माल्टोज दे देगा हमारे पास, और आइसोमाल्टेज एक्ट करेगा और फिर उसके नतीजे में भी हमें हमारे पास ग्लूकोज मिल जाएगा। अब हमने देख लिया कि या तो हमें हमारे पास डाइट से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, या हमारे पास हमें फ्रुक्टोज मिल रहा है, या हमारे पास ग्लैक्टोज मिल रहा है। ये तीन चीज़ें हमें डाइट से प्राइमरीली द मेजर कार्बोहाइड्रेट्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट इन अवर डेली लाइफ इज़ द ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड द फ्रुक्टोज, इन्हीं की एब्जॉर्प्शन होगी। अब एब्जॉर्प्शन हमारे पास जैसे ब्रश बॉर्डर के साथ हमारे पास वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं, वहाँ पर इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल्स के अंदर थ्रू द हमारे पास स्पेसिफिक कैरियर रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, उनके ज़रिए हमारे पास स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास डाइजेशन होती है, सॉरी डाइजेशन नहीं, अब्जॉर्प्शन होती है। अब हमने बात की थी कि हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें हैं जो अब्जॉर्ब होंगी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होंगी वो सोडियम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। इसके अंदर होता क्या है कि एक रिसेप्टर प्रोटीन है, बेसिकली ये रिसेप्टर प्रोटीन है, इसके ऊपर सोडियम भी बाइंड कर जाएगा, ग्लूकोज भी बाइंड कर जाएगा। जब सोडियम एंड व्हेन सोडियम एंड ग्लूकोज बोथ आर बाइंडेड एट द रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द आउटसाइड, देन दिस इज अ कन्फर्मेशनल चेंज अकर इन द रिसेप्टर एंड बोथ सोडियम एंड ग्लूकोज मूव इन टू द सेल। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन सोडियम और ग्लूकोज या गैलेक्टोज बाइंड कर देगा, तो दोनों का एक ही मैकेनिज्म है, ये इसको सेल के अंदर भेज देगा। फिर सेल्स के अंदर से हमारे पास वो दोबारा इंटरसेलुलर स्पेस में किस तरीके जाएगा, वो बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्लू टू रिसेप्टर्स हमारे पास, अभी मैं आगे बताऊँगा कि ग्लू कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ज़रिए बेसिकली वो इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाएगा और वहाँ से ब्लड के अंदर और अब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब एक दफ़ा इंटेस्टाइनल ल्यूमन से हमारे पास जब सेल में आना है तो उसने सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इस्तेमाल करना है, जब इंटेस्टाइनल सेल से आगे उसने इंटरसेलुलर स्पेस में जाना है और ब्लड में डिफ्यूज होना है तो उसके लिए वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मैकेनिज्म इस्तेमाल करेगा, ये याद रखना है आपने। और उसके अंदर ग्लू टू रिसेप्टर्स प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं, और फ्रुक्टोज जो है बाय द विद द हेल्प ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन
वो हमारे पास बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन्स के जरिए विदाउट द सोडियम अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास ब्लड के अंदर आ गई हैं। अब ग्लूकोज भी आ गया, ग्लैक्टोज भी आ गया एंड फ्रुक्टोज भी आ गया। सबसे पहले ग्लूकोज जो है मोस्ट क्या कहते हैं हमारे पास अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट आता है, जो मेजर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मिलता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो अबाउट 55 ग्राम USA की डाइट के अंदर, हमारे पास वेस्टर्न डाइट के अंदर जो पीपल डाइट इस्तेमाल करते हैं तो 55 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली फ्रुक्टोज हम वो इनटेक करते हैं। लेकिन जो मेजर क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट आ जाता है वो हमारे पास ग्लूकोज है। पहले सबसे पहले हम ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे फर्दर ऑन डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स के ऊपर फ्रुक्टोज के और ग्लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व करेंगे, सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। फ्रुक्टोज किसके जरिए एब्जॉर्ब होगा, बाय द विद द हेल्प ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हमारे पास अब आ तो गया ग्लूकोज जो है वो हमारे पास सर्कुलेट। अब मैं प्राइमरीली ग्लूकोज को डिस्कस करूंगा, फिर आगे जाके हम डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज अब एक दफ़ा सर्कुलेशन के अंदर तो आ गया, अब इसकी सेल्स के अंदर एंट्री किस तरीके होगी ये हमने देखना है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। अब सोडियम ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं और सोडियम ATP इनडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं। हम पहले सोडियम ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने इनकी बात कर भी ली है। ये ATP और सोडियम डिपेंडेंट ये किस तरीके हैं, ये ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, जैसा कि हमने इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल्स के अंदर देखा है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे थे हमारे पास, तो तब भी हमारे पास सोडियम चाहिए था और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज चाहिए था क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में ज़्यादा है, इसलिए वो हमारे पास सोडियम भी चाहिए और ATP भी चाहिए ताकि ग्लूकोज को वो एक दफ़ा एंट्री करा सकें एपिथेलियल सेल्स के अंदर। तो ये हमारे पास सोडियम ग्लूकोज डिपेंडेंट जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, एपिथीलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर हमारे पास सोडियम नहीं होगा तो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन भी फिर नहीं होगी। और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है और कोरोइड प्लेक्सिस पार्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर है, वहाँ पर भी ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम ATP इनडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट हम क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्या है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये सोडियम ATP इंडिपेंडेंट है। और जो हम इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल्स में बात कर रहे थे वो था डिपेंडेंट, वो ATP और सोडियम डिपेंडेंट थे। और जब एक दफ़ा सर्कुलेशन में चीज़ आ गई है, ब्लड में आ गई है, अब डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी के पास जानी है तो वो कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व करेंगे, सोडियम ATP इंडिपेंडेंट। ये अभी तक हमारे पास 14 टाइप ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आए हैं, लेकिन जो लिटरली बात करूँ तो 5 है, 5 का अक्सर बुक्स में जिक्र किया हुआ है तो हम 5 के डिस्कस कर लेते हैं। बात इसमें बस इंपॉर्टेंट ये रखने वाली है कि ये GLUT4 जो रिसेप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि GLUT4 रिसेप्टर्स जो है हमारे पास, ये लिखा ही हुआ सारा कि GLUT1 जो है RBCs और ब्लड ब्रेन बैरियर में, जस्ट डोंट रीड इट आउट, मैं GLUT4 को डिस्कस करूँगा क्योंकि बाकी तो सारों को पता ही है। GLUT4 रिसेप्टर्स जो हैं वो एडिपोज टिश्यू के अंदर होते हैं और प्राइमरीली मसल्स के अंदर होते हैं, और ये इनकी एक बात है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जब तक इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। बाकी GLUT5 रिसेप्टर्स के MCQs बहुत ज़्यादा आता है कि GLUT5 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन और टेस्टिस के अंदर होते हैं ये, और ये फ्रुक्टोज के लिए होते हैं। नाम GLUT5 ट्रांसपोर्टर ही है लेकिन ये प्राइमरीली फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये एक MCQs है, प्लस पॉइंट है। और GLUT2 रिसेप्टर्स जो हैं वो लीवर, किडनी, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर होते हैं, और GLUT2 रिसेप्टर्स की एक मेन जो एक क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये GLUT2 है, तो 2 से आप 2-way ट्रैफिक की तरह, ट्रैफिक की तरफ अगर आप सोचें तो एक साइड से ट्रैफिक आ रही होती है, दूसरी साइड से ट्रैफिक जा रही होती है, सिंपल बात है। इसी तरीके ये जो GLUT2 रिसेप्टर्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल लेवल के ऊपर मेंटेन रहे। किस तरीके के, ये लीवर, किडनी, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर हैं। जब हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो
फर्ज कर लें हम लीवर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये सेल्स के अंदर GLUT2 जो है लीवर के सेल्स के अंदर एंट्री करा देते हैं ग्लूकोज की, और जब वही ग्लूकोज हमें फास्टिंग के वक्त चाहिए होता है तो वहाँ से निकाल के दोबारा सर्कुलेशन में डाल देते हैं। तो इनकी ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, बाकी वन वे ही होते हैं, लेकिन GLUT2 जो है टू से टू वे आपने याद रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिटल अबाउट द GLUT रिसेप्टर्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर्स एंड द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड वन क्लिनिकल एस्पेक्ट इज हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी देखी जाती है, एक इंजाइम की डेफिशिएंसी देखी जाती है जिसे कहते हैं लैक्टेज। लैक्टेज अगर नहीं होगा तो वो लैक्टोज के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में चेंज नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, पेन होगा, डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगी। ये क्लिनिकल सिम्टम्स हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस के। तो हम उन पेशेंट्स को क्या एडवाइस करते हैं, हम उन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप एक तो लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें या आप दूध पीना ही छोड़ दें और डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना छोड़ दें आप, और अगर नहीं, अगर आपने करना ही है कंज्यूम करना है तो लैक्टेज पिल्स मिलती हैं, पिल्स होती हैं उनमें टैबलेट्स होते हैं उनमें इंजाइम होता है, लैक्टेज पिल्स उन्हें कहते हैं, तो वो आप खा लें प्रायर टू द ईटिंग, तो वो हमारे पास डाइजेशन करने लग जाएगा। और अगर आपने दूध उनको कहना है कि दूध नहीं पीना, तो अल्टरनेट के तौर पे आपने उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड द योगर्ट चीज़ फॉर द कैल्शियम, प्रॉपर कैल्शियम इनटेक के लिए आपने उनको ये अल्टरनेट डाइट आपने बतानी है कि ये आपने खाना है और ये आपने नहीं खाना। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी तो उसकी वजह से मेरे पास डायरिया होगा, ब्लोटिंग हो रहा होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, क्रैम्प्स पड़ेंगे और डिफरेंट। और इसको डेफिशिएंसी को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट कर देते हैं, लैक्टोज पेशेंट को देते हैं, और इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर जब ये एब्जॉर्ब नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड्स एसिटिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन के अंदर चेंज कर देते हैं। एक तो हम देखते हैं कि पेशेंट को ये सिम्टम्स जो बताए हैं वो देखते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन ब्रेथ के अंदर मेजर करते हैं। तो अगर वो दोनों ज़्यादा आ जाए तो हमारे पास सिम्टम्स भी मिले और हाइड्रोजन इन द ब्रेथ ज़्यादा मिले हमें, तो हम उसको ये कह देते हैं कि ये हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया कि ये पेशेंट लैक्टोज इंट्रॉलेंस का ही है। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।